अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से आप सब जो है ना अटेंडेंस मार्क कर लो और फिर हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से सारे लोग अटेंडेंस मार्क कर लें, थोड़ा सा हम वेट भी करेंगे ताकि सारे स्टूडेंट्स आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ओल्ड अकाउंट यूज़ कर रहे हैं फाइवर का?
कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे अपने प्रोफाइल का लिंक नहीं दिया, लेकिन उनकी गिग से मुझे समझ आ रही है कि ये मेरे ही स्टूडेंट हैं। और मैं एक और चीज़ भी बता दूं कि मुझे पता होता है कि क्या चीज़ मैंने सिखाई है और उस पे किस किसने कहाँ कहाँ गिग बनाई है, कौन कौन से अकाउंट पे गिग बनी है। ये सारी चीज़ें मैं ट्रैक कर रही होती हूँ। तो इस ये मुझे समझ नहीं आ रही कि स्टूडेंट्स ऐसा भी कर रहे हैं कि उन्होंने प्रोफाइल लिंक नहीं प्रोवाइड किया हुआ, लेकिन उन्होंने फाइवर अकाउंट बनाया हुआ है। तो आप लोगों को ये भी पता है कि जब तक आपको जो है ना प्रोफाइल्स के लिंक नहीं होंगे मेरे पास, आपको एंड पे सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स में है कि आपकी जो है ना अटेंडेंस हो जाए, कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपकी जो प्रोफाइल है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, वो एक्टिव प्रोफाइल का लिंक हमारे पास होना चाहिए। ये चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन जो है ना आप लोग पता नहीं इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हो। यहाँ पर किसका प्रोफाइल है जिसका यूज़र नेम था, आई थिंक एम इमरान, एम अंडरस्कोर इमरान, इस तरह से था। 2020 का अकाउंट था। तो उन्होंने मुझे अपना प्रोफाइल का लिंक नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो है ना गिग बनाई हुई है और सेम स्किल की बनाई है और अभी ही बनाई है। इवन के सब कुछ उन्होंने फॉलो भी किया हुआ है, तो लिंक देने में क्या मसला है? मुझे भी तो पता होना कि मेरे ये स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। तो काइंडली आप लोग थोड़ा सा ना ये चीज़ें जो है ना इस तरह से ना करें, कोऑपरेट करें, और इसमें आपका ही फायदा होगा। निमरा, आप सर्टिफिकेट ऐड कर ले, इसमें क्या मसला है? वालेकुम अस्सलाम, असमा रिप्लाई आ जाएगा। टाइम हो सकता है ज़्यादा ले रहे हैं वो, लेकिन वो रिप्लाई करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक अपने प्रोफाइल लिंक नहीं दिए? नहीं दिए तो अब दे दें। अभी मेरे पास जस्ट 21 स्टूडेंट्स के ही प्रोफाइल लिंक्स हैं, और नेक्स्ट अगर कोई क्यूरी होगी उनकी स्किल से रिलेटेड, तो सबसे पहले मैं जाकर ये चीज़ देखूंगी कि क्या मेरे पास उनका प्रोफाइल लिंक है। अगर है तो मैं उनको जो है ना मज़ीद वो चीज़ करूँगी क्लियर। अभी एक स्टूडेंट ने कहा है कि उनको जो है ना उनकी इंटरनेट की वजह से कोई क्लास मिस हो गई है और उनको समझ नहीं आ रही कि फर्स्ट स्किल है क्या। अब्बास रज़ा, आई थिंक आपकी पोस्ट आई हुई है, और इस पे हम दो क्लासेस लगा चुके हैं। तो अब देखें, अगर आप जो है ना 24 आवर्स में एक लेक्चर नहीं, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर 24 आवर्स अवेलेबल होता है, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं ले पा रहे बच्चे, तो आप 24 आवर्स में ऑर्डर कैसे कंप्लीट करके देंगे? इंटरनेट जो है वो मसला, लैपटॉप ख़राब होने का मसला, लाइट ना होने का मसला, ये चीज़ें आपने सॉल्व करनी है। ये आप लोगों ने किसी भी तरह मैनेज करनी है। अगर आप फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये इश्यूज सॉल्व करने हैं। अगर आप 24 आवर्स में का टाइम दे रहे हो ऑर्डर पे, तो फिर आप उसको कैसे मैनेज करोगे? अब एक कार्ड डिज़ाइन करने के लिए आप 7 दिन तो नहीं ना ले सकते क्लाइंट से, ऑब्वियसली इसका इम्पेक्ट अच्छा नहीं होगा। वालेकुम अस्सलाम आसमा, अगर आपने किया था पोस्ट ग्रुप में, तो फिर मैंने आपकी प्रोफाइल लिंक ले लिए हैं। जिस जिसने ग्रुप में पोस्ट किया था उनकी मैंने प्रोफाइल लिंक ले लिया, और एक स्टूडेंट थे जिनके जो था ना लिंक कॉपी करने में इशू आ रहा था, उन्होंने मुझे अपना यूजर नेम पोस्ट करके बता दिया था, और मैंने उनको उनकी प्रोफाइल लिंक भी मैंने ले दिए थे। आई थिंक उनका नाम था अब्बास रजा ही थे मेरा ख्याल से, वो वाली प्रोफाइल भी मैंने ले ली है। अभी तक जो है मेरे पास जस्ट 21 स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रोफाइल लिंक है। तो काइंडली बाकी लोग भी जो है ना प्रोफाइल लिंक प्रोवाइड कर दें, आप लोगों का ही फायदा होना है। इसमें आप लोगों को ही सपोर्ट मिलनी है, आप लोगों को ही चीज़ों की ज़्यादा अच्छे से समझ आनी है। फिदा, वालेकुम अस्सलाम अलीना। हाँ जी, आपकी गिग लिंक मैंने देखा था, लेकिन इस तरह से जो है ना मैं एक एक बच्चे का इस तरह से गिग लिंक नहीं चेक करूंगी। हाँ ये है
इस तरह से मैं कुछ चीजें सेट करने वाली हूँ कि जब भी हम कोई स्किल सीखेंगे ना, तो एक बार जिसकी नेक्स्ट क्लास तक गिग रेडी हो जाएगी, जो उस वक्त जो है लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो जो है ना मैं रिव्यू करूंगी और क्विक रिव्यू करूंगी। क्योंकि अगर मैं एक एक गिग को भी रिव्यू ऐसे करूं जिस तरह हम स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं, हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाना है। और ये भी नहीं होगा कि जब जो मर्जी मुझे गिग दे दे कि मैम ये रिव्यू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं एक टाइम, अब आप लोगों को बता रही हूँ, हम एक टाइम सेट कर रहे हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो पूरा एक महीना बैठ के एक ही गिग रिव्यू करती रहूँ आप सब लोगों की, मुझे तो कोई मसला नहीं होगा इसमें। लेकिन मसला ये होगा कि आप लोगों की स्किल्स रह जाएंगी। स्किल्स जो है ना, वो आप लोग फिर आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप स्किल्स की प्रैक्टिस कर सको। इसलिए मैंने ये सोचा है कि जब मैं एक स्किल सिखाऊंगी, जैसे मैंने कल स्किल सिखाई है, तो आप लोगों के पास नेक्स्ट क्लास तक का टाइम होगा, आप उस पे गिग बना लें। जिस जिसकी गिग बन जाएगी, उसकी गिग जल्दी जल्दी से जो है ना क्विक रिव्यू होगा उसका, ठीक है? और आप लोग अपने जो है ना जो नोटबुक पेन है वो रेडी रखें, नोट पैड फाइल पे लिख रहे हैं तो वो रेडी रखें। जिसकी गिग आएगी मेरे सामने, मैं उसको बताऊंगी कि ये इस बंदे की गिग है, और जस्ट एक नजर देखने से जो जो मुझे चीजें नजर आएंगी मैं वो बोलती जाऊंगी और आप लोग नोट कर लेंगे। कोई बच्चा ऐसा नहीं कहेगा कि मैम मैं तो उस टाइम क्लास में नहीं थी, तो आप दोबारा रिव्यू कर दें। अगर आप क्लास में नहीं थी और आपकी गिग रिव्यू हो गई है, तो आप जो है रिकॉर्डेड लेक्चर में से देख लें, क्योंकि हमने टाइम बचाना है। अच्छा, अब जो है ना बिलाल, आप यूजर नेम बता दें, अगर आप फाइवर का कह रहे हैं, आपने अगर किया था, पोस्ट की थी तो डेफिनेटली मैंने ले लिया होगा। अगर मैसेज किया किसी ने तो मैसेज वाला, मैंने कोई लिंक मेरे पास नहीं है। निम्रा, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि देखें वो उन्होंने बताया होगा कि एक ही चीज रहती है और उसका 5% है, तो आपको वही कंप्लीट करनी होगी। और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है सर्टिफिकेट ऐड करने का। इस पे भी हम बात करते हैं। फिर थंबनेल का मैंने एंड पे बता दिया था कि आप डायमेंशन सेट करके उसके बाद जो है ना आप किस तरह से कर सकते हैं चीजें, मतलब लिखनी ही है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप गिग जो थंबनेल होगा वो आप कंपटीटर्स को, और ये मैंने बताया था एंड पे कि आप सब सबका एनालाइज कर लोगे कि वो क्या चीज दिखा रहे हैं, फिर आप उसके हिसाब से उसको बना सकते हो। अच्छा हाँ, किसी का ये भी था, अब्बास आपका ही था ना, कि फाइवर का पासवर्ड भूल गया है और ईमेल का पासवर्ड भी याद नहीं है। तो अब्बास, सबसे पहले तो आप ये करें, ईमेल रिकवर करें। देखें, जब आपने ईमेल बनाई होगी तो उसमें कोई रिकवरी ईमेल या फिर आपने नंबर तो डाला होगा ना, सबसे पहले ईमेल रिकवर करें। ईमेल रिकवर करने के बाद फिर आप जो है ना उससे फाइवर रिकवर कर लें। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर डेफिनेटली आपको न्यू क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, पोस्ट की थी, ठीक है। और कायनात गिग मैं अभी रिव्यू करूंगी। किसी का कोई क्वेश्चन गिग क्रिएशन से, और जिसकी क्लास स्किप हुई है ना इसमें अभी फर्स्ट स्किल की, उनको समझ नहीं आई, अब आज आई थिंक आप हैं, तो मैं एक बार इसका जो है ना जल्दी जल्दी से एक क्विक समरी कह लें कि जो है ना बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता दूंगी कि आपने बेसिकली करना क्या है। और अभी हम गिग रिव्यू करेंगे तो उसमें भी आपको समझ आ जाएगी। हमारी पहली स्किल थी वो थी वेडिंग कार्ड, उसके जो मेन कीवर्ड्स थे वो ये थे, वेडिंग कार्ड इनविटेशन या वेडिंग इनविटेशन, इस तरह से, मतलब उसके मेन कीवर्ड्स ये कह लें। अब कीवर्ड से पता चल रहा है कि हम जो है ना शादी का कार्ड डिजाइन करने जा रहे हैं किसी को इनवाइट करने के लिए। उसमें आप ग्रुप में पोस्ट देखें, पोस्ट पड़ी है, आप ग्रुप में आएंगे तो आपको हैश टैग्स भी नजर आएंगे कि आपने मतलब कौन से हैश टैग से पोस्ट ओपन करनी है, वो भी होते हैं। अगर वो आपको नहीं पता चल रहा, ये पॉपुलर टॉपिक इन दिस ग्रुप आ रहा था नीचे हैश में कैनवास स्किल्स, ये मैंने यूज किया हुआ है हैशटैग, ताकि आपको इजीली स्किल्स जो है ना मिल जाए। तो आपको दो पोस्ट मिलेंगी, वहां पे स्टूडेंट्स ने डिजाइंस कमेंट किए हुए हैं और उन पे रिव्यू हुए हैं। अब रिव्यू जो है ना वो आप कुछ समझ नहीं आएंगे, बट आप देख लीजिएगा कि किस तरह से डिजाइन करना है, क्योंकि रिव्यू तो मैंने वहां बोल के ही बताए थे, कमेंट्स में रिव्यू नहीं है, तो आप वहां से आइडिया ले सकते हो। अभी मैं गिग्स भी रिव्यू करूंगी तो जो है ना आपको आइडिया हो जाएगा। मैम, कार्ड पर अपना कोई सिग्नेचर भी देते हैं और ऐसे कोई अपना डिजाइन चोरी कर सकता?
अगर आप फाइबर पे कर रही हैं सैंपल में, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं देना होता, वो कोई मसला नहीं है, ना ही कोई आपने सिग्नेचर देना है, वो सिंपल आप लगा सकती हैं। देखें आपका डिजाइन कोई कैसे चोरी करेगा, उस पे जो नाम लिखा हुआ है वो तो नहीं ना यूज कर सकते, उनको चेंज ही करना पड़ेगा। और जो वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो, उनके पास ऑलरेडी कैनवास है, उनको पता है कि ये चीजें इधर से बन रही हैं, तो वो चोरी नहीं करेंगे। तो इस तरह से कोई मसला नहीं हो सकता इस स्किल में, ठीक है। अच्छा सारे लोग अटेंडेंस मार्क कर लें प्लीज जल्दी से, किसी का कोई क्वेश्चन गिग क्रिएशन से रिलेटेड, फिर मैं चलती हूँ अब जल्दी जल्दी से, जो है ना मैं गिग्स रिव्यू करती हूँ। अच्छा मैंने कुछ देखा है, कुछ गिग्स बनी हुई हैं और दो स्टूडेंट्स की जो है ना इमेजेस भी सेम ही हैं, और मैं वो देखती हूँ अभी के किस किस की गिग कहाँ कहाँ पे आ रही है, और किसने किस तरह से कीवर्ड टारगेट किए हैं, किसने बस कॉपी पेस्ट किया जो मैंने बताया था, किसने जो है ना खुद अपना दिमाग यूज किया है। अच्छा एक चीज मुझे जल्दी से बता दें कि आप सब लोगों की गिग्स जो है वो आप सबको शो करवा के की जाए रिव्यू, या आप लोग सीक्रेट कोई रखना चाह रहे हो कि आपकी प्रोफाइल लिंक्स जो है वो शेयर ना की जाए, और जो है ना मैं बस स्क्रीन ऑफ करके रिव्यू कर दूं, जो इसकी गिग हो वो सुन लें, बाकी लोग भी ऑब्वियसली सुन लेंगे कि अच्छा इसमें ये मसला है तो हम भी ये चीज जो है ना अवॉइड करेंगे, मतलब लेकिन गिग शो ना करवाऊं। अब आप जल्दी, वैसे मुझे नहीं लगता कोई गिग आने में मसला है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे एक फैमिली की तरह हो, आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हो, आप लोग एक दूसरे के कंपटीटर्स नहीं हो, और कोई किसी का कंपटीटर होता भी नहीं है। जो रिस्क होता है ना वो हर बंदे की अपनी किस्मत में होता है, कोई किसी का रिस्क नहीं छीन सकता, ठीक है। यहाँ पे जो है दो स्टूडेंट्स ने कहा कि शो करवा दें, अगर किसी को इश्यू हो तो वो बता सकता है उसकी, हम शो नहीं करवाएंगे, उसमें कोई मसला नहीं है मुझे। मैं शो इसलिए करवा दूंगी ताकि सबको आइडिया हो जाए कि कौन किस तरह से गिग्स बना रहा है, और आप लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। इवन आप लोग भी रिव्यू करोगे अपने फेलोज की गिग्स को कि अच्छा इस तरह से गिग्स जो है आपने बनाई है, और आपको आइडियाज भी मिलेंगे अपने फेलोज से भी मिलेंगे। तो सबसे पहले किसकी गिग रिव्यू की जाए जल्दी से मुझे बता दे। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ना अपने कीवर्ड्स पे जाती हूँ और वहां पे ना देखती हूँ कि किस किस की गिग जो है ना वो रैंक कर रही है, और हम फिर आप बता दीजिएगा कि ये मेरी गिग है और इसको रिव्यू कर लें। मैं फर्स्ट पे जैसे ओपन करूंगी ना, तो जिस जिस की गिग आ रही होगी वो बता दे कि ये मेरी गिग है, इसको रिव्यू कर ले, फिर हम रिव्यू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, स्क्रीन शेयर हो गई है। जल्दी से बता दे, स्क्रीन शेयर हो गई है। ठीक है अब मैं जाती हूँ, ये मेरा पहला कीवर्ड था, इसको मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये डॉलर कर देती हूँ, ना भी करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यहाँ पर देखते हैं कि हमारे किसी स्टूडेंट की कोई है, यहाँ पे ये रिव्यूज वाली ही है, कोई न्यू नहीं है, ये राइजिंग टैलेंट में आ रही है, तो मुझे नहीं लगता ये कहीं कोई अभी न्यू गिग होगी। अच्छा हम दूसरा पेज देख लेते हैं, यहाँ पर भी सारे रिव्यूज वाले ही हैं। हम यहाँ से जाते हैं न्यूएस्ट अराइवल में,
यहाँ पर देखते हैं, इनमें से किसी को कोई ये आए तो आपने मुझे बता देना है। एक ये और ये आई थिंक हमारी ही क्लास की होंगी, मे पॉसिबल ये भी हो, लेकिन ये इसमें बर्थडे का भी जिक्र है तो मैंने भी बर्थडे वगैरह तो नहीं करवाया। अच्छा ये तो वो आई पड़ी है जो अभी हमने वो की थी, मैंने डिलीट नहीं की, ये मैंने कर देनी है। उसके अलावा अच्छा अब आप मुझे बता दें कि कौन कौन सी गिग रिव्यू करनी है। वालेकुम अस्सलाम, जुरिशा गिग में टैग्स एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, इशू क्या आ रहा है, वो नीचे बता देता है कि क्या मसला है। अच्छा बताएं, फर्स्ट पेज में जो हम न्यू अराइवल में गए हैं तो वहां पे किस किस की गिग आई है, किसी की गिग आई है? आपके टैग्स जुरिशा उनकी जो है ना लेंथ ज्यादा है, शॉर्ट यूज करें जिस तरह मैंने यूज किए थे। कायनात गिग रिव्यू स्टार्ट हो चुका है, अभी मैं देख रही हूँ कि किस कीवर्ड पे किस स्टूडेंट की गिग रैंक कर रही है और हम उस तरह से जो है रिव्यू करना स्टार्ट करेंगे, और जिसकी नहीं करी फिर वो डेफिनेटली अपने गिग का लिंक देंगे या यूजर नेम प्रोवाइड करेंगे, तो उससे मैं जाकर उसको रिव्यू कर लूंगी। जल्दी से मुझे बताएं अभी किसी की नहीं गिग, किसी ने सबमिट नहीं करवानी, हम लाइव रिव्यू ही करेंगे, क्योंकि सबमिट करवाने से ये होगा ना कि अगर आप वोस्ट कर देते हैं वो मैं देख लूं तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगी कि जो है ना किस तरह से कि अभी आपने ये चीजें चेंज करनी है, और अगर मैं एक एक बंदे को बताऊं तो इस तरह से फिर सबका फायदा नहीं होगा। अगर मैं एक चीज जो है ना बताऊं हर एक उसको कि मतलब आपका कोई इशू है वो मैं सबके सामने बताऊंगी तो बाकी सब भी नोट कर लेंगे कि अच्छा ये चीज हमने भी इस चीज का ख्याल रखना है। जी मोहम्मद इमरान, वो आई थिंक हमारी ही क्लास की है क्योंकि वो हम डिजाइन देख चुके हैं पहले, बट मेरे पास उसका लिंक नहीं है, सो मैं वैसे उसको ओपन करके देख लेती हूँ उसमें है क्या। मुझे ये दोनों ही लग रही हैं कि ये हमारी ही शायद, पर इसमें तो जो है ना पार्टी और अच्छा डबल साइड स्किप है, और इसमें क्या है पार्टी कार्ड इमेज और अच्छा यहाँ पे वीडियो, अभी ये पूरा लोड ही नहीं हुई। और ये देखें सेम टू सेम, अच्छा ये वाली चीज आपने नहीं करनी कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा था थैंक्स फॉर विजिटिंग माई गिग और मैंने ये कीवर्ड यहाँ पे चूज कर लिया तो सबके सब सेम टू सेम कर लें। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, बेस्ट वेडिंग कार्ड डिजाइन विद इन 24 आवर्स शार्पली लगा दिया मैंने जो लाइन यूज की थी। अब आप देखें ना यहाँ पर ये मेरी वो वाली जो थी जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए गिग बनाई थी, अब यहाँ पर देखें ये सेम टू सेम है, ये देखे वेडिंग कार्ड 24 आवर्स और वेडिंग, इसने बस ये किया है कि वेडिंग कार्ड की बजाय वेडिंग इनविटेशन कार्ड किया है, ताकि जो है ना वो उसने थोड़े से जो है ना, मैंने ऊपर वेडिंग इनविटेशन कार्ड किया, इसने जो है ना सिंपल क्या किया है यहाँ पे वेडिंग इनविटेशन कार्ड कर दिया, यहाँ पे वेडिंग इनविटेशन कर दिया, कीवर्ड्स को ऊपर नीचे कर दिया है, और मैंने ये कहा था कि यहाँ पे आपने लिखना है और इसने सेम टू सेम वही चीज उठा कर लिख दिया। ये वाली गिग बहुत जल्द जा सकती है, इधर से उड़ जानी है। कैसे उड़ेगी मैं बताती हूँ, व्हाट कैन आई डिजाइन, मैंने जैसे लिखा था उसने जो है ना इसको आई विल को आई कैन कर दिया, या कैन आई क्या किया इसने, हाँ कैन आई कर दिया, और रिराइटिंग नहीं करनी आप लोगों ने, ये क्या हो रहा है, ये इसने सेम टू सेम नेक्स्ट वही क्यों होगा, वेडिंग इन्विटेशन कार्ड, वेडिंग इनविटेशन कार्ड, ये क्या बर्थडे, इसने इनविटेशन कार्ड लगा दिया मेरा बर्थडे में, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा भी था आप एक ही स्किल को एक ही कीवर्ड को टारगेट करेंगे। अच्छा जी अमेजिंग वो हो गया क्योंकि अब इसने और इसमें जो है ना कुछ और डालने के लिए बर्थडे डाल दिया। अच्छा उसके बाद
ग्रीटिंग कार्ड और वेडिंग पार्टी इनविटेशन डिजाइन, और रिक्वायरमेंट्स में वही चीज, नेम डेट एंड प्लेस ऑफ इनविटेशन, पिक्चर इफ यू वांट ऑन कार्ड, ये डाल दी है, और व्हाट यू विल गेट फ्रॉम दिस गिग। तो ये किसी से, इसने किसी और से जी कॉपी कर लिया। अच्छा, सोर्स फाइल्स आप नहीं दे सकते, ये सोर्स फाइल होती ही नहीं है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप मेरी ये बात सुन लें, ये सोर्स फाइल आपने किसी की कॉपी करके लिख दी है। सोर्स फाइल जो होती है वो होती है जो हम फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर यूज करते हैं, वहां की ये सोर्स फाइल्स की बात हो रही होती है। वहां पे वो ये होती है कि सोर्स फाइल्स होती हैं तो वो जो है ओपन हो जाती हैं उन सॉफ्टवेयर में, और वो अपनी मर्जी की जो है ना एडिटिंग कर सकते हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट, प्रिंट रेडी फाइल्स, मनी बैक गारंटी। अच्छा, प्रिंट रेडी फाइल्स का आपको पता भी है वो फाइल्स होती कौन सी हैं? प्रिंट के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं? आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि प्रिंट रेडी होंगी। अच्छा, वाई मी भी लगा दिया जी, 100% सक्सेस रेट, अवेलेबिलिटी, क्विक रिस्पॉन्स, डेडिकेटेड। और फ्री सैंपल का क्या मतलब है? ये तो बच्चों वाली बात हो गई, आई गिव अ फ्री सैंपल बिफोर यू प्लेस एन ऑर्डर। आप सैंपल यहाँ पर दे चुके हैं, ये आपके सैंपल्स हैं, और कौन से सैंपल आपने देने हैं यहाँ पर? या तो आप सिंपल पोर्टफोलियो का लिंक दे दें कि ये मेरे पोर्टफोलियो का लिंक है। ये फ्री सैंपल का क्या मतलब है? कोई पेड सैंपल तो कंटेंट राइटिंग में होता है ना। अब कार्ड ऑर्डर करने के लिए भी क्या वो पेड सैंपल लेंगे? तो ये चीज आप लोगों ने मेंशन नहीं करनी। अच्छा, प्लीज लेट्स हैव अ चैट बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। चैट नहीं यूज करना, डिस्कस यूज करना है। कि मतलब डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। दिस एक्साइटिंग ऑफर विल एंड सून, सो हरी अप एंड गेट योर डिजायर्ड आइटम। अच्छा, आपने इसमें एक्साइटिंग ऑफर दी कौन सी है जो खत्म हो जाएगी? कौन सी इसमें एक्साइटिंग ऑफर है जो खत्म हो जाएगी? क्या आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं? बाय वन गेट वन फ्री है, इसमें कोई ऑफर मेंशन है? और टाइप भी आपने गलत सिलेक्ट किया। अगर आप फॉलो नहीं करोगे, आपकी गिग जो है ना मे पॉसिबल कि कुछ टाइम के लिए रैंक हो, लेकिन वो फिर जो है ना आप गिग जो है वो उसी तरह से उड़ेगी भी सही। उड़ने का मेरा मतलब है, उड़ने से मेरा मतलब ये होता है कि वो डिनाई हो जाती है, वो जो होती है ना नहीं वर्कआउट होता। अगर चले, अब जो है ना मैं इसको इतना ही एक्सप्लेन करूंगी कि आपने कोई चीज ऐसी नहीं डालनी जो आपने प्रोवाइड नहीं करनी, या आपको जिसका पता नहीं है, या इस तरह से कुछ भी आपने जो है ना नहीं लिखना। जैसे सोर्स फाइल, प्रिंट रेडी हो गया, या एक्साइटिंग ऑफर, आपने ऑफर मेंशन ही नहीं की तो कौन सी ऑफर खत्म हो रही है? अब यहाँ पर देखें, जो भी क्लाइंट, एज अ क्लाइंट आप यहाँ पर आओगे और आप एंड पे पढ़ोगे कि एक्साइटिंग ऑफर विल एंड सून, तो आप जाके देखोगे कि ऑफर कहाँ पे है, कौन सी ऑफर मिल रही है? क्या बाय वन गेट वन फ्री है? क्या डिस्काउंट मिल रहा है? या एक कार्ड पे किसी और चीज का कार्ड कोई फ्री मिल रहा है? क्या चीज मिल रही है? तो यहाँ पर आपको ऐसी कोई ऑफर नजर तो नहीं आई, मुझे तो नहीं आई, अगर किसी और को आई है तो वो बता दे। तो ये चीजें आपने इस तरह से नहीं करनी। और दूसरी बात, मेरी गिग को कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना, वो जस्ट मैंने एक चीज बताई है कि आप किस तरह से कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। बेसिक मेरा जो वो गिग क्रिएशन का मकसद था वो ये था कि आप कीवर्ड्स कहाँ कहाँ ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे मैंने यूआरएल में बताया, जैसे मैंने इमेज के नेम में बताया, जैसे मैंने टाइटल में बताया, वहां पे टाइटल बताने का हरगिज ये मकसद नहीं था कि आप वही टाइटल उठाकर देख लें। वो मेरा बताने का मकसद ये था कि आप किस तरह से एक कीवर्ड में ज्यादा कीवर्ड्स कवर कर सकते हो, किस तरह आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा कहने का मतलब जो था, मैंने मैंने सिंपल लिख दिया कि थैंक्स फॉर विजिटिंग माय गिग, सबने वो उठाकर लिख लिया। ऐसा नहीं करना। वो जो है ना, मैं जस्ट ये बताना चाह रही थी, आपने ट्राई करनी है कि स्टार्ट में कीवर्ड कवर कर लें। जैसे मैंने कल की क्लास में कहा था कि अब आपने देखे, मैंने बड़ी आसानी से या बड़े चालाकी से जो है ना अपने कीवर्ड यहाँ पे यूज कर लिया। वो मेरा कहने का मतलब ये था कि बच्चे मैंने यहाँ पे स्टार्ट में कीवर्ड यूज कर लिए हैं, आप लोग भी स्टार्ट में अपने कीवर्ड यूज करने की कोशिश करें। एंड पे मैंने फिर लिख दिया कि थैंक्स अगेन, और ये तो वो मेरा मतलब था कि आप इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखें कि आपके कीवर्ड एंड पर भी आ रहे हो। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप शुरू और एंड में थैंक्स कर दें।
और ये चीज डिस्क्रिप्शन में मैंने इसलिए यूज की थी क्योंकि ताकि मेरी ही डिस्क्रिप्शन कॉपी होगी। अब आप देखें यहाँ पर आप लोग जो है 15-20 स्टूडेंट तो यहाँ पे लाइव लेक्चर ले रहे होते हैं, ठीक है। अब वो 15-20 ही अगर मैं ले लूँ तो वो 15-20 ही अगर एक ही चीज को फॉलो कर लें तो किसी की गिग भी रैंक नहीं होनी, या रैंक होनी है तो वो डेफिनेटली एक आप लोग एक दूसरे के साथ ही कम्पीट करने में हो जाओगे। तो ये चीज प्लीज आप अवॉइड करें। किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ लो, फिर हम चलते हैं वन बाय वन आपकी गिग की तरफ। मोहम्मद इमरान आपने अपनी प्रोफाइल लिंक्स दी हैं मुझे? और बिलाल खान जो है ना, ये आप प्लीज थोड़ा सा इस चीज को देखें कि लाइट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, शादी में बिजी हैं, व्हाटएवर। बच्चे 3 महीने हैं आपके पास सीखने के लिए, इनको यूटिलाइज करें। ये जो है ना आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होंगे। तो ये चीजें जो है ना, आप ये गिग रिव्यू उसी नेक्स्ट क्लास में होगी, उसके बाद मैं किसी की गिग रिव्यू नहीं करूंगी। जल्दी जल्दी मुझे बता दें किसी ने गिग रिव्यू करवानी है तो वो मुझे बता दें, ठीक है। बिलाल आज जरूर बना लीजिएगा, और जल्दी से बता दें किसी ने गिग रिव्यू करवानी है। अच्छा, फिजा मैंने जो है ना आपको ये बहुत फाइवर पे जो है टाइम लगवाया था, मैंने काफी इस पे क्लासेस लगी हैं हमारी फाइवर को समझने में, और मैंने आप लोगों को वीकेंड पे भी ये चीज कही थी कि गिग्स एक्सप्लोर करें ताकि जब आप गिग बनाने जाएं तो आपका टाइम बच जाए। ठीक है लीना, आपकी गिग कर लेते हैं रिव्यू, जल्दी से मुझे लिंक दे दें। और इसमें जो है ना मजीद आप गिग्स को बेशक देख लें। इस वाली जो है ना, ये आपकी फर्स्ट गिग थी इसलिए मैं आपको जो है ना थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन दे देती हूँ कि आप गिग्स बना लें, बाद में भी देख लेंगे, लेकिन उसके बाद जो होगा ना वो उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, जस्ट नेक्स्ट क्लास में ही रिव्यू होगा। बच्चे टाइम वेस्ट होगा इस तरह से। अभी हमारे ब्लॉगिंग के काफी लेक्चर्स रहते हैं, ब्लॉगिंग में बहुत कुछ हमने कवर करना है तो जो है ना, और अभी हमारी कैनवा की भी स्किल्स रहती हैं। इस स्किल से रिलेटेड आप 10-15 गिग्स आराम से रिव्यू कर सकती हैं। देखिए आप सिंपल, मैंने आपके सामने 4-5 गिग्स रिव्यू कर ली थी उन्हीं 2 घंटों में, और एक गिग भी रेडी कर ली थी। तो आप लोग अच्छा, इसे न्यू अराइवल में क्या किसी की क्यों नहीं आ रही गिग? बनाई नहीं है ये, क्या मसला बना ली ना? जल्दी से लिंक दे, आपने अगर गिग बना लिया तो किसी और ने गिग बनाई है जल्दी से मुझे बता दें। मैं थोड़ा सा आप लोगों की गिग इमेजेस देखना चाह रही हूँ। अच्छा मैं जो है ना आपका लिंक ले लूं, फिर हम मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम रिव्यू करते हैं इसे। सिर्फ एक ही स्टूडेंट की गिग रेडी है और किसी ने नहीं बनाई? स्क्रीन शेयर मैंने कर दी है और मैं ये जो है ना रिव्यू कर लेती हूँ यहाँ पे। अच्छा ब्यूटीफुल वेडिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड डिजाइन, वेडिंग इनविटेशन कार्ड और विल डिजाइन वेडिंग कार्ड इनविटेशन। ये कितने कीवर्ड्स को कवर कर रहा है? ये आपने सही लिखा हुआ है, एक सेकेंड, इसमें मैंने ये कीवर्ड कहीं यूज किया होगा। वेडिंग इनविटेशन कार्ड को आपने वेडिंग कार्ड इनविटेशन किया है, तो आप क्या कवर करना चाह रही हैं, वेडिंग कार्ड और कार्ड इनविटेशन? कार्ड इनविटेशन तो एक बहुत ही उसमें आ जाएगा, तो ये आप जो है ना, अच्छा आपने ये कीवर्ड यहाँ पे यूज किया है,
सेम टू सेम यूज़ किया हुआ है, कोई मसला नहीं है, ये आप सेम टू सेम भी यूज़ कर लें, इसमें कोई मसला नहीं होना। अगर कोई इसको बेटर तरीके से मजीद जो है यूज़ कर सकता है तो वो कर लें। यहाँ पर अपने कीवर्ड मजीद ऑप्टिमाइज करें। देखे मैंने यहाँ पे जो है ना कितने कीवर्ड लगाए हुए हैं, वेडिंग इनविटेशन, वेडिंग इनविटेशन कार्ड, उसके बाद क्या इनविटेशन कार्ड भी हो सकता है, और वेडिंग कार्ड जो है ये, और इनवाइट वेडिंग भी एक आ रहा था हमारा कीवर्ड सपोर्टिंग में, मैंने वो भी यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा आपने वीडियो, ये वीडियो देखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा आपने क्या वीडियो चेंज की है? ये क्लियर नहीं है, ये चीज क्लियर ही नहीं है, ये चेंज करें। ये क्लियर क्यों नहीं हो रहे यहाँ पे? यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही, दिखा हुआ क्या है ये, इसको चेंज करें। और एक सेकेंड, इनकी भी वीडियो थी ना, अच्छा ये कहीं अनिला की तो नहीं है प्रोफाइल, क्योंकि उनका कार्ड सेम टू सेम यही था, ये ऐसा ही लिखा हुआ था, ऐसा ही लिखा हुआ था, ये भी यहीं पे था, और ये ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स भी थे। यहाँ पर एक ऐसा और डिजाइन भी है, कहाँ था वो, इसमें कुछ चीजें चेंज है। अच्छा ये जो है ना आप कर लें, ये मुझे पसंद नहीं है जो आपने सैंपल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। ठीक है आपने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया है, और लेकिन ना आप इसमें ये वाला कीवर्ड, आपने इसमें एक ही कीवर्ड कवर किया हुआ है और एक ये भी किया हुआ है, इसमें मेन कीवर्ड कवर करें, वेडिंग कार्ड और वो वाले कीवर्ड जो है। यहाँ पर आप जो है ना अपने सारे कीवर्ड्स कवर करने की कोशिश करो, यहाँ पे आपके पास स्पेस है, स्पेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स कवर कर सकती हो, जितने मर्जी चाहो कर सकती हो। मैंने अब जैसे किसी के साथ अमेजिंग लगाते ये वो, लेकिन आपने उसको इतना ही लाइट नहीं लेके जाना, जैसे मैंने सिंपल जो है ना यहाँ पे अमेजिंग लगा दिया था और कुछ इस तरह की चीजें, आपने थोड़ा सा जो है ना लाइंस बना के, इस तरह से लाइंस बनानी है कि जैसे तारीफ में कहते हैं कि इतने अच्छे अच्छे कार्ड होंगे कि भाई आप खुश हो जाएंगे, आप जिसको इनवाइट करेंगे उनको अच्छा लगेगा, या आपका जो है ना एक मेमोरेबल डे हो जाएगा, इस तरह से कुछ जो है ना लाइंस बनानी है आपने, और जो है यहाँ पे यूज करके अपने सारे कीवर्ड यूज कर लेने हैं। अच्छा ये यहाँ पे आपने बता दिया कि जो है ना आपको जो भी चाहिए होगा। अच्छा यहाँ पे ये इस तरह से भी हो सकता था, नेम्स ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम ऑन वेडिंग कार्ड, तो आपका एक कीवर्ड यहाँ पे अगेन आ जाता। ठीक है यहाँ पर आप लिख सकती थी लोकेशन वेयर द सेरेमनी विल अकर, यहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ कीवर्ड ट्राई करती। अच्छा जबरदस्ती कीवर्ड ऐड नहीं करने, नेचुरल लगे इस तरह से, लेकिन ट्राई करें ऑप्टिमाइज करें। ये चीज मैंने कहा था आपने ऊपर ही लिखनी है, यहां पर ही आपने ये चीज लिख देनी है, ताकि वहीं पे जो है ना बायर का मूड बन जाए, ये जो इमोशनल एक टच है ये ऊपर हो। ठीक है अच्छा यहां पर जो है ना सारी फिक्स चेंज कर ले। फिक्स आप जो है ना वो चेंज कर लें, फिक्स आपकी ब्लर आ रही है।
इसके अलावा किसी ने गिग रिव्यू करवानी है। मोहम्मद इमरान, आपने मुझे अपने प्रोफाइल लिंक्स दिए हुए हैं, मैंने आपसे ये चीज़ पूछी थी, आपने मुझे बताया नहीं है। प्लीज़ मुझे ज़रा ये बता दें, आपकी प्रोफाइल लिंक्स मुझे नहीं लगता मेरे पास हैं। और एक सेकंड, मैं ज़रा प्रोफाइल लिंक्स चेक कर लूँ। किसी और ने रिव्यू करवाना है तो जल्दी से बता दे। मोहम्मद इमरान, आई थिंक आपकी प्रोफाइल लिंक्स मेरे पास नहीं है, तो आप मुझे अपनी प्रोफाइल लिंक्स आज प्रोवाइड करें सबसे पहले। ओके, अच्छा, किसी ने भी और नहीं करवाना। अच्छा अलीना, इसमें जो आपने वीडियो लगाई है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके, आप यहाँ पर वीडियो में क्या शो करवा रही हैं कि ऊपर लिखा हुआ आ रहा है इस तरह से कार्ड में। आपने बाकी लोगों की जो वीडियोस थी वो देखी हैं? सबसे पहले एक वीडियो थी, ये तो खानापुरी वाली बात हुई है कि बस उसी कार्ड की एक वीडियो बना दी है। यहाँ पर किसी और की ये एक है। अच्छा ये तो है ना, हम यहाँ पे जाते हैं बेस्ट सेलिंग में। इसको छोड़ें, ये और चीज़ ओपन हो गई है, और ये कोई ऐसा हो जो वेडिंग, ये एक हो गया, बट ये है एनिमेटेड, ये भी एनिमेटेड है। और इसके अलावा, अरे एनिमेटेड भी है ना, उन्होंने ज़्यादा बनाई हुई है वीडियोस, एक ऊपर भी है, उसको भी देख लेते हैं। ये भी एनिमेटेड है। अच्छा चलें, एक ही मुझे मिली है अभी। ठीक हो गया, यहाँ पर एक ये आ रहा था, और हम अब यहाँ पर रेलिवेंस में देखते हैं क्या कोई वीडियोस आ रही हैं। एक ये, वो ट्रेडिशनल का है, और ये तो है ही वीडियो के बारे में की, तो इसको जो है ना, हम ये वेडिंग इनविटेशन कार्ड की है, तो इसने क्या जो है बनाई हुई है। वीडियोस तो बस हैं कि वीडियोस बनी हुई हैं इस तरह से। ये देखें, इसका डिज़ाइन क्लीन एंड क्लियर है, तो वीडियो को आप जो है ना यूज़ कर सकते हो अपने एक रैंकिंग के फैक्टर में भी, हो सकता है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट शो हो रही थी, उसमें उसने रेफरेंस दिया था, वो ऐसी थी। ठीक है, आपकी वीडियो में कोई मसला नहीं है, बस मैं देख रही थी कि आपने क्या कंपटीटर्स को देखा था कि उन्होंने किस तरह के बनाए, क्योंकि देखें आप बेस्ट सेलिंग में इस तरह से ये चीज़ें देख रहे थे कि अगर वो ज़्यादा उनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी इमेजेस, वीडियोज अच्छी हैं तो ज़्यादा हो रहे हैं ना। बिलाल खान कंपल्सरी नहीं है, बट हो तो
वो बेस्ट होती है। एनिमेशन लगी हुई ना, एनिमेशन का क्या मतलब है कि अब वीडियो की बात करें, अरे ना की वीडियो की। अच्छा किसी और ने जो है करवानी है, गिग रिव्यू करवाना है तो जल्दी से बता दे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ ले। अच्छा वैसे आपको तो बड़ी जल्दी थी, स्किल नहीं सीख रहे हम गिग कब बनाएंगे। अब स्किल सीखी है तो किसी ने गिग ही नहीं बनाई। जस्ट एक स्टूडेंट है जिन्होंने जो है ना गिग बनाई है। अब मैं जरा जाके खुद ही जो है ना फाइवर की प्रोफाइल्स देखती हूँ कि किसी ने गिग बना रखी, और वो मे भी क्लास में ना हो तो हम जो है ना उसकी गिग देख लें। यहाँ पर नहीं, जोनी शाह की कोई गिग नहीं बनी हुई। ठीक है, और इसके अलावा मैं देख लेती हूँ। अच्छा आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो वो जो है ना आपने थोड़ा सा वेट करना है। वालेकुम सलाम नीला, आपका अकाउंट कौन सा है जरा मुझे बताएं जल्दी से। जल्दी जल्दी बताएं। अब फाइवर का आप अपना यूजर नेम बता दें। जल्दी जल्दी बता दें मुझे और मैं देख लेती हूँ उसको। एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ। लेकिन मैंने तो भी यहाँ पे सारे अकाउंट्स चेक किए हैं सबके, जिनके जिनके लिंक्स हैं मेरे पास। हाँ जी आपका है, लेकिन उसमें अनिला गिग नहीं है तो मैं क्या चेक करूँ। वो चीज जो है मैंने अकाउंट्स जो है फाइवर का सबका देख लिया है, किसी ने भी गिग नहीं बनाई, किसी एक बच्चे के भी गिग नहीं है। जस्ट एक स्टूडेंट है जिसकी गिग बनी हुई है। तो अकाउंट का मैंने क्या देखना, मैंने अकाउंट का तो कुछ भी नहीं देखना।
उसमें तो जस्ट आपने सिंपल साइन अप ही करना था ना, आपने अपना यूजर नेम सेलेक्ट किया और आपने एक अकाउंट बना लिया, उसमें जो है मैं कुछ देखने वाला है ही नहीं। देखने वाली बात तो गिग में होती है, गिग रिव्यू होता है कि उसमें आपने क्या मिस्टेक्स की हुई है, मजीद आप उसको कैसे बेहतर कर सकती हैं। और एक चीज मैंने नहीं देखी आपकी, मैं दोबारा से जो है ना एक बार देखती हूँ, अरे ना आपकी केक का जो है ना मैंने देखना था एक, ठीक है आपका यूआरएल मैं देखना चाह रही थी, यूआरएल आपका ठीक है, आपने यूज किए हुए हैं कीवर्ड्स तो नीरा आपने फोन नंबर देना है ना, और डेफिनेटली वो वेरीफाई करते हैं तभी आपको गिग बनाने देते हैं फाइवर पे। अच्छा तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है गिग क्रिएशन के बारे में, और किसी की कोई गिग भी नहीं बनी हुई, इसका तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। चले ये होता है कि समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चंस है तो फिर भी बात समझ आती है कि इस वजह से गिग नहीं बनी, कोई क्वेश्चन भी नहीं है, समझ भी आ गई है। आप लोगों के सामने गिग क्रिएट भी की गई थी, वो आपके सामने एग्जाम्पल भी था, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी था, और स्टिल सिर्फ एक ही स्टूडेंट की गिग बनी है। ये बात तो मेरी समझ में ही नहीं आ रही बच्चे कि ये आप लोगों ने क्या किया है। मुझे लगा था कि आज तो टाइम कम पड़ जाएगा, इतने ज्यादा जो है ना गिग रिव्यू करने पड़ेंगे, और मैंने पूरा एक लेक्चर ही वही कर दिया गिग क्रिएशन क्वेश्चन आंसर्स पे, कि जो है ना मैं वो सारे क्वेश्चन आंसर्स में ही, मतलब वो मैंने गिग रिव्यू को ले लिया है कि मैं गिग रिव्यू करूंगी, और आप लोगों ने गिग ही नहीं बनाई। अरे ना ऐसे नहीं हो सकता ना कि वीकेंड पे हर चीज लेके चले जाएं, वीकेंड के लिए जो है अभी हमने नेक्स्ट स्किल पे जाना है, फिर उसकी गिग को कौन बनाएगा, फिर एक वीकेंड पे आप कितने स्किल्स की गिग बना सकते हो, फिर आप को जो है वो स्किल की प्रैक्टिस भी करनी होगी। वीकेंड तो आप अपने पास सेव रखो इसलिए कि आप जो स्किल सीखोगे उनकी प्रैक्टिस करोगे, आप उनकी प्रैक्टिस के लिए भी तो आपको टाइम चाहिए होगा ना। अब ये तो नहीं है ना कि ये बन गया यहाँ पे बस जो प्रैक्टिस हो गई सो हो गई, ये तो ये प्रैक्टिस तो बस इसलिए थी कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए, स्किल पॉलिश करने कह लें इसको, या इस तरह से था ये जो है ना। जुनिशा ठीक है टाइम लगा है, इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट आपके पास पूरा नेक्स्ट क्लास तक का टाइम था, कल क्लास खत्म हुई 1:30 बजे और आज जो 11:30 तक आपके पास टाइम ही टाइम था, इसमें से आप 3 घंटे भी निकाल लेना तो जो है ना कुछ तो हो सकता था। सुनिशा मेरे साथ भी ये गिग क्रिएशन में ये इशू हुआ था कि टैग जो है ना उन्होंने कहा था कि मिनिमम जो है ना वो लेंथ हो 20 करेक्टर की, इस तरह से। तो फिर जो मेरा सबसे लेंथी टैग था मैंने वो रिमूव किया था, उसकी जगह मैंने एक छोटा सा टैग यूज किया था, मतलब कि जैसे उसके करेक्टर पे जितने वो फुलफिल कर रहा था जो वो मैंने यूज कर लिया था। तो आपने भी सिंपल इतना सा ही करना था टैग्स में। अच्छा तो ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है गिग क्रिएशन में, ठीक है कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब हम जो है ना थोड़ा सा गिग इमेज क्रिएशन पे चलते हैं। किसी के पास, किसी ने जो है ना कोई ट्राई की हो ये इमेज बनाने की, फिर जब फर्स्ट टाइम के लिए तो मैंने जो है ना टाइम दे दिया, लेकिन बच्चे मैंने प्रैक्टिस भी बहुत करवाई है, और जो है ना आप थोड़ा सा अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो
आप लोगों का जो है फायदा ज्यादा होगा इसमें। बट अभी तो मैं ऑब्वियसली आपको टाइम दे रही हूँ, आप लोग आराम से जो है गिग्स बनाओ, अच्छे से गिग्स बनाओ फर्स्ट। ये क्या ठीक है, टाइम टेकिंग है, मानती हूँ ये चीज मैं भी, लेकिन जो है ना आगे भी स्किल्स भी काफी सारी हमने सीखनी है, और उसके अलावा हमने ब्लॉगिंग भी कंटिन्यू करनी है, ब्लॉग्स भी तो बनाने हैं ना हम लोगों ने, तो उसमें भी हमारा टाइम जाएगा, उसमें भी बड़ी प्रैक्टिस होनी है। अभी तक कौन सा ऐसे बच्चा है जो जिसको नेचर रिसर्च इतनी क्लियर है कि वो उसकी गिग बना सकते हैं? किस किसने उसकी इतनी प्रैक्टिस की है कि वो उसकी गिग बना ले? कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने उसकी प्रैक्टिस की और वो उसकी इतनी उस पर ग्रिप आ गई हो कि वो उसमें जो है ना गिग बना ले नेचर रिसर्च की? नीचे रिसर्च का हम जो है ना कंपटीशन देख लेते हैं कि कंपटीशन कितना है उसका। ₹1400 जो है ना इसमें सर्विसेज हैं। अभी हमने इसमें कीवर्ड रिसर्च को भी कवर करना है, कीवर्ड रिसर्च में भी काफी जो है ना टर्म्स आ जाएंगी। एकदम जो स्किल हमने सीखी है उसी की ही गिग बनानी है। कार्ड स्टैंडर्ड साइज बता दो, और रिक्वायरमेंट्स कल जो थी मैंने कुछ डिस्कस की थी यहाँ पर, बताया भी था कुछ स्टूडेंट्स ने कि जो है ना क्या क्या हो सकती हैं। उसमें था नेम और एड्रेस था, या वेन्यू कह लें इस तरह से, और उसमें जिस लोकेशन भी उसमें ही आ जाता है, फोन नंबर आ सकता है। इसके अलावा आप मेंशन कर सकते हैं कि जो है ना कुछ और लिखवाना चाहिए, जैसे उन्होंने एक अभी हमने एक देखी जो उन्होंने पिक का हुआ था। ठीक है, और वेडिंग कार्ड की किक में जी, वेडिंग कार्ड की ही किक बनानी है। और साइज की जो बात है वो ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो क्रिएटेड है ना वो साइज ठीक है। अगर कोई आपको कहता है, आपको स्पेसिफिक साइज देता है, तो फिर आप यहाँ पर आके क्रिएट डिजाइन पे जो है ना कस्टम साइज का बना सकते हैं। यहाँ से ये इंच हो सकते हैं, ये MMCM जो है डिफरेंट होता है, बट हम जो है ना इमेज क्रिएशन में ये PXE रखते हैं, और इस तरह से जो है ना आप इसको चेंज करके यहाँ पर बना सकते हो अगर कोई कस्टम साइज कहता है। अदरवाइज आप ये जो है ना कार्ड आप ये यूज कर सकते हैं। और फिर कस्टम में आप इसी तरह से भी बना सकते हैं, ये एल्यूमर सब यूज कर सकते हैं, डिजाइन यूज कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी नीचे रिसर्च पे ग्रिप हो, जिसको नीचे रिसर्च की समझ आई हो, या जिसने उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की हो। अच्छा, नीचे रिसर्च पे कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप नीचे रिसर्च को भी करें। अच्छा, प्रैक्टिस किया है लीना? कोई क्वेश्चन किसी चीज की समझ ना आई हो?
कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ ले। आ गई थी समझ। ठीक है, तो आप इस पे ना गिग भी बना सकती हैं। अगर आप कोई क्लाइंट जो है इस तरह से रिक्वायरमेंट्स दे तो आप उसको कर लेंगी फुलफिल। अगर कर सकती हैं तो इस पे आप गिग बना लें, लेकिन तभी गिग बनानी है जब आप उसको फुलफिल कर लो। ठीक है, अदरवाइज नहीं बनानी। अच्छा, इसके अलावा किसी ने निच रिसर्च पे कोई प्रैक्टिस की हो और कोई अच्छी निच मिली भी हो? किस किस टॉपिक पे आप लोगों ने निच रिसर्च की थी? और एक और बात भी है कि जो प्रैक्टिस यहाँ पर हो गई वो तो हो गई, उसके अलावा किसी ने जो है ना वो वेडिंग कार्ड की भी प्रैक्टिस नहीं की। इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने का मतलब जो है ना वो सिर्फ ये है कि आप लोगों को एक जो है ना आइडिया मिल जाए कलर्स का, कॉम्बिनेशंस का, फॉन्ट्स का, स्पेस किस तरह से मेंटेन करनी है, आप लोगों ने जो डिफरेंट की जो इन्फॉर्मेशन है या टेक्स्ट ऊपर है, आपने आपने जो है बैक एंड पे जो आपका या बैकग्राउंड में जो आपका डिज़ाइन आ रहा है उसको आपने कैसे मैनेज करना है, उसके ऊपर टेक्स्ट को कैसे मैनेज करना है, और आप लोग एलिमेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ें जो है ना आप लोग पिक्स कैसे लगा सकते हो, या ये वाली चीजें आपको समझ आए, इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस प्रैक्टिस का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस हो गई है या आपको मजीद प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। किस किस के पास अभी वेडिंग कार्ड के डिजाइन रेडी हैं जो हमने लास्ट में किए थे, जो डिस्कस लास्ट हो गए हैं, उनके अलावा किस किस के पास रेडी हैं? किसी का कोई जवाब नहीं आया। किस किस के पास डिजाइन रेडी है? एंड पे भी काफी डिजाइन ऐसे भी होंगे जिनका मैंने रिव्यू किया होगा और कहा होगा कि इसमें ये चीजें चेंज कर लें, तो ऐसे भी कोई डिजाइन थे उन्होंने उस पे काम किया या नहीं किया, या किसी और ने कोई चीज और ट्राई करने की कोशिश की थी? जल्दी जल्दी बता दे, किसी के पास कोई डिजाइन रेडी पड़ा है, किसी ने प्रैक्टिस की हो?
तो इसका मतलब है किसी के पास कोई डिजाइन भी नहीं पड़े, क्योंकि अभी तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, फिर हम अपनी नेक्स्ट स्किल की तरफ चलते हैं। अब यही हो सकता है कि मैं नेक्स्ट स्किल करवा लूं, फिर आप लोगों के पास ये हो जाएगा कि एक स्किल तो आपके पास पहले ही है, उसकी गिग भी बनानी होगी, दूसरी स्किल की भी गिग बनानी पड़ेगी। फिर अगर आप वो गिग भी नहीं बनेगी तो फिर हम तीसरी स्किल कर लेंगे, वो गिग भी बनानी पड़ेगी, तो काम तो ऐसे रहता जाएगा। ऊपर से आपकी प्रैक्टिस भी नहीं है। जुनिशा जल्दी जल्दी से जो है ना कमेंट कर दे, जो कल हमारी पोस्ट थी मैं उसके कमेंट्स ऑन कर देती हूँ। बल्कि कल तो हमारी पोस्ट नहीं थी, आई थिंक परसों थी। उसके कमेंट्स ऑन करने लगी हूँ, बल्कि ऑन कर दिए हैं। जल्दी से उसको जो है ना आप करें। यार आपका कोई डिजाइन नहीं है उसके बाद, बस आपने जो तीन चार वहां पे किए थे। मोहम्मद इमरान, आपसे मैंने जो है लिंक्स पूछे तो आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, ना ही आपका कोई डिजाइन आया, ना ही मेरे पास उन स्टूडेंट्स का कोई डिजाइन आया है जो रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं, और उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया प्रैक्टिस पे। जुनिजा, मुझे टाइम देने में कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को मैं एक महीना लगा सकती हूँ जस्ट आप लोगों की गिग्स रिव्यू पे भी। जैसे आप लोगों को लगता है कि ये आप लोगों के लिए ज्यादा आसान है, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है बच्चे, मैं कर दूंगी। लेकिन आखिर पे मसला ये हो जाना है कि आप लोगों के पास स्किल्स बहुत कम होंगी। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा स्किल्स हम सीखें। आपके पास इतनी वैरायटी हो कि आप एक दूसरे के भी वो उसमें सिलेक्शन में हो, कि आप जो है ना ये ना हो कि हर बच्चे ने एक ही गिग नहीं बनाई हुई होगी। इतनी सारी हमारे पास स्किल्स हो, अब देखिए हर बच्चे मैक्सिमम 7 गिग्स बना सकता है इस स्टेज पे, क्योंकि अकाउंट न्यू है, 7 गिग्स ही बन सकती हैं मैक्सिमम। तो 7 भी अगर वो बनाए तो सबकी 7 की 7 गिग सेम ना हो, उनमें चेंज हो। कोई किसी और स्किल पे बना रहा होगा, मतलब वेडिंग का अभी स्टार्ट है, वेडिंग कार्ड पे सारे बना लेंगे, ठीक है। इस पे किसी ना किसी को इंशाल्लाह ऑर्डर भी आएगा। अब किसी को वहां पे अच्छे इंप्रेशन मिल रहे होंगे, वो उसको कंटिन्यू करना चाहेगा, उसको क्लिक्स मिल रही हैं, उसको ऑर्डर के चांस हैं। अब किसी के वहां पे वो गिग रैंक नहीं कर रहे, उसको इंप्रेशन कम आ रहे हैं, वो उस गिग को डिलीट करके किसी और स्किल पे बना लेंगे। तो इस तरह से जो है ना आप लोग चीजें लेके चलेंगे। लेकिन फिर अभी जो है ना एक ही पे हम बैठे हैं, और अभी तक ये चीज स्टार्ट ही हम अभी स्किल्स को मतलब स्टार्ट तो हमने कर लिया, लेकिन वो फिर आगे जो है ना गिग्स क्रिएशन पे बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है हमारा। आप लोग गिग्स जल्दी जल्दी क्रिएट करो, एक बार क्रिएट तो करें। रिव्यू करने के लिए मैं हूं ना, मैं वो चीज देखूंगी कि आपको क्या चीज चेंज करनी, फिर आप उसको अपडेट कर लें। अनिला, बेस्ट सेलर जो है वो इधर से सर्च होता है कि आप, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, यहाँ पर जाएंगी और जैसे ही आप सर्च करेंगी तो यहाँ पे आएगा सॉर्ट बाय। अब यहाँ पे रेलेवेंस आ रहा है, यहाँ पर आप बेस्ट सेलिंग कर सकते हैं, तो इस तरह से ये आ जाएगा। यहाँ पर आप न्यूएस्ट अराइवल कर सकते हैं, तो ये लोग आ जाएंगे जो मतलब जिन्होंने अभी अभी जो है ना गिग बनाई है। बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो रेलेवेंस होता है, तो अब यहाँ से इसको बेस्ट सेलिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जुनिशा, आपने डिजाइन कमेंट किया है, अच्छा जल्दी जल्दी से जो है ना, ठीक है मैं देख लेती हूँ, और मैं स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ। और किसी का डिजाइन रेडी है तो बता दें जल्दी से, और हम इसको थोड़ा सा मजीद जो है हमारी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। एक नजर देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि यहाँ पर जो है ना आपने इनके इनिशियल्स लिख दिए हैं कि L एंड A, तो इसको थोड़ा सा
चेंज करें, थोड़ा स्टाइलिश करें। यहाँ पे कुछ जो है ना, कोई एंड की जगह आप यहाँ पे कोई दिल लगा सकती थी, या फिर आप यहाँ पर कोई शादी के एलिमेंट में से कुछ या रिंग लगा सकती थी। रिंग तो बेसिकली एंगेजमेंट में भी आ जाता है, बट रिंग जो है ना वो शादी में भी यूज हो सकता है, लेकिन एंगेजमेंट में उसका ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप कोई जो है ना शादी का एलिमेंट यूज कर लें। अच्छा स्क्रीन शेयर है ना, मेरे पास तो शेयर हो रही है, आप लोग भी बता दीजिएगा। अच्छा, और ठीक है, इनविटेशन का पार्ट भी कवर हो गया। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो है ना, आपने यहाँ पे डॉटर का लिख दिया, बट डॉटर का नाम तो ऊपर है ना, तो आप ये चीज यहाँ भी लिख सकती थी। बट अगर ये लड़की की तरफ से कार्ड है तो कोई मसला नहीं है, जस्ट बात है कि जी आप वो बताना चाह रहे हैं कि ये बेटी किसकी है, तो यहाँ पे भी आ सकता है। बट यहाँ पे क्योंकि लड़के का नाम आ रहा है और लड़के के नीचे आ रहा है डॉटर ऑफ मिस्टर, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। तो नीचे आप लड़की का नाम तभी लिख सकती हैं जब वो कार्ड लड़के की तरफ से हो, क्योंकि वैसे नॉर्मली ये होता है कि अगर लड़के की तरफ से कार्ड है तो ऊपर लड़की का नाम होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है लड़की के पेरेंट्स का लिख दें, यहाँ पर लड़के के पेरेंट्स का लिख दें, और इसको फिर थोड़ा सा आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे तकरीबन यहाँ पे ये चीज़ आएगी फिर, और इधर भी, और फिर एंड को भी थोड़ा आप नीचे लाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। नीचे आपने जो है ना इसमें थोड़ा सा जो है ना इसमें स्पेस दे दें। अब ये चीजें देखें, ये हो गई कि ये टाइम है और वो जो लोकेशन है, यहाँ पर जो है ना डेट है, इसको थोड़ा सा आप स्पेस दे दें थोड़ी सी। अब ये एक पूरा एक लाइन है ना, तो इसमें स्पेस का इतना मसला नहीं लग रहा है, लेकिन ये दो चीजें हैं, टाइम और वो डेट है और वे लोकेशन है, तो इसमें थोड़ा सा स्पेस देंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। डिजाइन ओवरऑल अच्छा है। अच्छा, और किसी का कोई डिजाइन रेडी है? मुझे तो नहीं लगता किसी का कोई डिजाइन अब रेडी होगा भी सही। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि मैं स्क्रीन शेयर फिर से करने लगी हूँ, और यहाँ पर देखें मैंने ये वाला एक कार्ड, मुझे तो ये भी अच्छा डिजाइन लगा वैसे, ये वाला कार्ड है ना, अगर आप चाहते हो कि आपका कार्ड यही रहे, मतलब इसका बेस कलर ये रहे, इसके जो स्टाइल ये चीजें यही रहे, बट ये साइड पे चेंज हो जाए, तो आप लोग ये भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से ये आपने क्लिक किया, इसको डिलीट किया, आप इसको क्लिक करोगे इसको डिलीट कर लोगे, आप चाहते हो कि ये चीज जो है ना चेंज हो जाए, आप इसको डिलीट कर दोगे, ये चीज यहीं पे रह जाएगी, आप चाहते हो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ जाओ, ये एक हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, इसको इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ यहाँ पे देखें शेप्स आ रही हैं, उसके अलावा आप यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो वही कार्ड है बट उसका जो है ना थोड़ा सा डिजाइन चेंज हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये के दरमियान में इसको रहने देते हैं, और ये गाड़ी भी तो हो सकती है ना, वो दुल्हन वाली कार भी तो होती है, उसमें ये चीज यूज हो सकती है। उसके अलावा इसको भी कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं सेलिब्रेशन के वो, उसमें इसको यूज कर सकते हैं अगर हम,
यहाँ पर इसको कर लें और बल्कि इस तरह से इसको मैंने यहाँ पे अभी बस ऐड किया है, तो ये भी थोड़ी सी एक चीज़ चेंज हो जाएगी। और इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, और आप और भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा दो तीन कार्ड ऐड किए हैं, वो कैसे किए हैं? अच्छा, एक सेकंड में बता देती हूँ। ये आप यूज कर सकते हो यहाँ पर भी, ये वाला अगर आप यूज कर लो। डिलीट, यहाँ से फोटो से अपलोड से आप अपना कार्ड लगा सकते हो, और आप जो है ना फिर यहाँ पे कर सकते हो, वो कार्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपका दूसरा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि ये है क्या चीज़। ठीक है, ये यहाँ पे ये यूज कर लो, तो इतने सारे कार्ड आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये यूज हो सकता है। तो आप यहाँ पे डिफरेंट, इसमें ज्यादा कार्ड्स शो हो जाएंगे, बट ये थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा। ये देखें, ये एक यूज हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये भी अच्छा है। तो ये आप डिफरेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी चीज में कोई कंफ्यूजन? क्या टेम्पलेट, इनसे क्या टेम्पलेट से मतलब क्या कहना चाह रही हैं आप? और इसके अलावा जो है ना, मैं एक और चीज भी आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। जुनिशा, मैंने आपको प्रो की एक्सेस दी हुई है, आपने प्रो लॉगिन नहीं किया, आप अपना ही यूज कर रही हैं। अच्छा, एक चीज मैं और भी बताना चाह रही थी यहाँ पे, वो ये था कि आप जो है ना गूगल पे ये सर्च कर सकते हैं कि वेडिंग वेक्टर करेंगे, और यहाँ पर जो है ना आपको बहुत सारे ऊपर भी सजेशंस आ जाएंगी, यहाँ पर भी आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी, तो ये चीजें भी यूज हो सकती हैं। ठीक है, इसके लिहाज से कुछ उसके अलावा अगर हम ये बॉर्डर देख लेते हैं, तो ये हमें बॉर्डर के डिजाइन्स दिखा देंगे, इतने ये सारे होंगे।
अब ये आप लोगों ने मुझे यूज करके बताने हैं कि ये यूज हो सकते हैं। यहाँ पे अगर ट्रांसपेरेंट करें तो अब ये जो है ना हिस्से से आप लोग सिंपल डाउनलोड करके अपलोड कर देंगे, यहाँ से अपलोड से। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी आ रहे हैं जो पहले हुए हैं। जल्दी से मुझे बता दे जुनिशा कि आपके पास प्रो की क्या एक्सेस नहीं है, आपने यूज नहीं किया, मैंने लॉगिन डिटेल दे दी थी। किसी का कोई क्वेश्चन है? कौन सा है डिजाइन जो नहीं हो रहा, वो काइंडली मुझे कुछ उसका जो है ना स्क्रीनशॉट उधर कमेंट कर दें ताकि मैं देख लूँ एक बार कि कौन सा जो है ना वो डिजाइन है जिसमें इशू आ रहा है। कौन सा डिजाइन आप ट्राई कर रही हैं? जल्दी से बता दें ताकि मैं देख लूं। डिजाइन नेम जल्दी से प्लीज बता दें ताकि मैं एक बार देख लूं। अरे मैंने इतने टाइम में कहा है कि किसी के पास डिज़ाइन रेडी है, तो एक स्टूडेंट ने भी कोई डिज़ाइन रेडी अभी तक नहीं किया।
ये चले कुछ ट्राई तो करें। जी अलीना यूज़ हो जाती है, बट उनको कुछ किसी चीज़ में इशू आ रहा है। वही मैं अब उनसे पूछ रही हूँ कि वो बता दें ताकि हम सब इधर देख लें कि किस चीज़ में मसला आ रहा है। अच्छा मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को कि आप लोग फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ इस तरह से जो है ना स्काई कलर इस तरह से फ्रेम के अंदर आ रहा था, तो वो तो अच्छा नहीं लगता। तो वो चेंज किया है किसी ने, उसको देखने की कोशिश की है किसी ने कि उसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है? जल्दी से बता दे किसी ने ट्राई किया है। बिल्कुल, जैसे दूसरे एलिमेंट्स का कलर चेंज होता है वैसे ही भी वैसे फ्रेम्स का हम कर सकते हैं कलर चेंज। वो इस तरह से हो जाता है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर कहीं पे भी अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेम ऐड करके उसमें जो है ना, पिक लगा लें, तो या फिर आप उसमें कोई टेक्स्ट लिख दें। अगर मैं यही ले लूं, यहाँ पर काफी सारे जो है ना फ्रेम है जो आप यूज कर सकते हैं, मैं ये ले लेती हूँ। तो अब यहाँ से, अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख लो, जो मर्जी लिखना चाहते हैं यहाँ पर। मैंने इसको बस ये ऐड कर दिया। तो अब ये तो इस तरह से आ रहा है, अब इसको आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं? इस तरह जो है आप फ्रेम का कलर चेंज कर सकते हो, उसके अलावा फ्रेम भी डिफरेंट यूज कर सकते हैं। इसको हम कलर वही कर देते हैं, ये और
फ्रेम को बड़ा कर लिया, इस तरह से आप जो है ना यूज कर सकते हैं। अच्छा जोनीशा, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया, और इसके अलावा मोहम्मद इमरान, आपने मुझे प्रोफाइल लिंक्स कोई जवाब नहीं दिया, उसके अलावा किसी को मैंने कुछ पूछा हो तो, इसके अलावा मुझे जो है ना कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, ना ही गिग क्रिएशन में और ना ही प्रैक्टिस में। अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, हम क्लास एंड करते हैं कल जो है। अब अगर आप लोगों की गिग्स ज़्यादा लोगों की मुझे उम्मीद है क्रिएट होंगी तो हम एक बार रिव्यू कर लेंगे, और अगर नहीं होंगे तो हम जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन, वो सॉरी क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपनी नेक्स्ट स्किल की तरफ जाएंगे। हम जो है ना अपनी नेक्स्ट स्किल को देखेंगे और हम उसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे। अब जो है ना गिग क्रिएशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जितने भी थे, कमेंट नहीं हो रहा बिलाल खान, क्या चीज़ कमेंट नहीं हो रही? वो आपने अभी तो मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिए, बिल्कुल अभी ही मैं ऑफ करके अभी क्लास में एंड करने लगी हूँ तो मैंने ऑफ कर दिया उसके कमेंट्स। और अभी इसके अलावा जो है ना, हाँ, होप्स सईद खान की कल अच्छा रिस्पांस मिले, और अब गिग क्रिएशन के सारे क्वेश्चन आंसर का जो सेशन था वो हो गया है, ठीक है। आज गिग क्रिएशन का था हमारा सेशन, और वो जो हमारा सेशन है वो अभी एंड हो गया, ठीक है। तकरीबन अभी क्लास बस खत्म हो रही है। हाँ जी, अब मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि मैं अब इतने टाइम से मैं वेट करती कि मे भी कोई बच्चा कमेंट कर दे, मे भी कोई कहे कि मैंने डिजाइन रेडी कर लिया, मैं आप रिव्यू कर लें, लेकिन किसी को कोई रिस्पांस नहीं आया। तो जो है ना तकरीबन 10 मिनट आपके कमेंट के बाद से मैं वेट कर रही थी, और इसके अलावा मैंने, आपने जब ऊपर कहा था कि जो है ना एक है, तो उसके बाद तकरीबन हाफ आवर हो गया है, तो ये किसी ने कोई डिजाइन नहीं बताया, तो जो है ना इसलिए मैंने कमेंट्स ऑफ किए हैं। अच्छा रेडी कर लिया, ठीक है, मैं कमेंट्स ऑन कर देती हूँ, एक बार हम जो है ना उसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग चीजों को समझोगे आप लोग जो है ना, कोई मसला नहीं है जो नीचे, मैंने कमेंट्स ऑन कर दिया, जल्दी जल्दी से जो है ना वहां पे कमेंट करके बता सकती हैं। अच्छा मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, अच्छा यहाँ पे आपने, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, यहाँ पे ये वाला जो है आपने वेडिंग इन्विटेशन लिखा और कुछ इस तरह से आ रहा है। अब ये कौन सा, सॉरी, डिज़ाइन है ये हमें कैसे पता चलेगा? वेडिंग इन्विटेशन, यहाँ पर देखते हैं जल्दी जल्दी से कि अगर वो डिजाइन, अच्छा अभी तक तो मेरे सामने ये नहीं आ रहा, इसका कोई नाम, इसका नाम देखने की ट्राई करें कि मे बी इसका कोई नेम आ रहा हो तो हम उससे कुछ सर्च कर लें। अच्छा आप यही वाला कैनवा अकाउंट आप यूज कर रहे हैं जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है? पोर्टफोलियो के लिए आप, अब तो वो वहां पे जो 3 सैंपल्स रखते हैं ना, फिलहाल वही कंटिन्यू करें, और उसके अलावा जो है ना पोर्टफोलियो पे हम जाते हैं कि इसको मजीद हम कैसे करेंगे। अच्छा ये आप लोगों ने भी देखना है कि ये जो प्रो लिखा हुआ है, क्या आप लोगों के पास भी लिखा हुआ ऐसा आ रहा है? और अब मैं देखती हूँ अगर किसी और ने कोई डिजाइन किया, तो अभी मुझे वो जो निशा, मुझे डिजाइन नजर नहीं आ रहा,
एक सेकंड, कौन से जो है ना, आप मुझे ये बताएं जुनिशा, आपने वही लॉगिन यूज किया है जो मैंने दिया था? बिलाल खान देखने में जबरदस्त लग रहा है, और लेकिन ये फिर आपने वही काम कर दिया, ये थैंक यू कार्ड हो गया, इनविटेशन नहीं है। डिजाइन के लिहाज से बेस्ट है ये चीज। अब थोड़ा सा जो है ना इसको, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा जो है ना छोटा करें, ताकि ये इसमें थोड़ी सी मजीद स्पेस हो जाए, अदरवाइज ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है। और ये चीज भी आपने यूज की, ये डिजाइन बेस्ट है, लेकिन वो थैंक यू वाला हो गया, उसमें जो है ना यहाँ पे क्या था, कौन सा था इसमें से? अब मेरे पास फिर से शो नहीं हो रहा। अच्छा एक सेकंड, मैं एक और चीज ट्राई करती हूँ। बाय रिक्वेस्ट में आप जो है सिंपल बता सकते हैं कि पोर्टफोलियो के लिए आप गिग विजिट कर लें, इस तरह आपको जो है ना इंप्रेशन क्लिक्स भी मिलेंगे। जुनिशा मुझे लगता है कि आप वो यूज ही नहीं कर रही कैनवा जो मैंने प्रोवाइड किया है। अब ये जो है ना, मैं इसको फिर से देखती हूँ। जोनीशा ये आपने कहाँ से डिजाइन लिया है? यहाँ पे मुझे क्यों नहीं शो हो रहा? उसका कोई लिंक है शेयर होने वाला, तो वो लिंक दे दें, उससे मैं पॉसिबल कि हम वहां तक पहुंच जाएं। जल्दी जल्दी से दे दें। मैं वेट कर रही हूँ, आप जल्दी से जो है ना उसका लिंक दे दें। लिंक कहाँ से दे सकते हैं? ऊपर शेयर का ऑप्शन आ रहा होता है। ये यहाँ पर जो है ना मैं दिखा देती हूँ, ये आपने ओपन किया, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, यहाँ से जो है ना कॉपी लिंक कर लें और प्रोवाइड कर दें यहाँ से जो है ना। तो यूजर्स टेम्पलेट भी कर सकते हैं, वैसे भी आप दे सकती हैं। जल्दी से मुझे लिंक दे दे जोनिशा, मैं देख लेती हूँ। लिंक कमेंट कर दें जल्दी जल्दी से, ताकि मैं देख लूं।
लिंक आपने यहाँ से देना है, स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने, आप देख लें। यहाँ पर आप आएंगी, जैसे आपने वो टेम्पलेट ओपन किया वो होगा, शेयर करेंगी, यहाँ पर आप कॉपी लिंक करेंगी, लिंक कॉपी हो गया, और जो है ना आप यहाँ पर जाके कमेंट में पेस्ट करें, यूज एस टेम्पलेट टू एडिट भी होगा, या यूज एस टेम्पलेट आप कर लें, ताकि टेम्पलेट के पे हम उसको यूज कर लें, या एडिट भी है तो रहने दें, सेटिंग चेंज भी ना करें, सिंपल यहाँ से जो है ना कॉपी करें और कमेंट कर दें। जल्दी से मैं इसको देख लेती हूँ। अच्छा, एक और जो है ना डिजाइन आया है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा नीचे कर दें। परफेक्ट है, अच्छा डिजाइन है, थोड़ा सा जो है सिंपल भी है, और इसमें थोड़ी चीजें आपने लुक दी है ये भी ठीक है, ये डेकोरेशन भी आ गई है, ये हाईलाइट हो गए हैं, बट ये थोड़ा सा मुझे ये वाले कलर जो है ना इनका अप्स में इतना वो नहीं लग रहा, ये वाइट और रेड का, आप ब्लैक ट्राई कर लें या कुछ और ट्राई कर लें, मे पॉसिबल वो ज़्यादा जो है ना इसके साथ कम्बिनेशन, ब्लैक भी वैसे इस कलर पे अच्छा ही लगेगा, आप वो भी ट्राई करके देख लें। ये अलीना और जो है ना ये शेरीज, ये वाला जो है ना इसको रेड ही रहने दें, और ये जो व्हाइट है इसको अब ब्लैक करें। अजोनिशा यहाँ आपने कमेंट किया, चलें ठीक है मैं ऊपर ले लेती हूँ यहाँ से। क्या इसमें क्या मसला आ रहा है? चेंज तो हो रहा है। हम इसमें कुछ जो है एलिमेंट ऐड करते हैं। ये तो कुछ ये ऐड कर लेते हैं। इसमें क्या मसला है? ये डाउनलोड का भी ऑप्शन दे रहा है, मुझे नहीं, इसमें क्या इशू आ रहा है? और ये डाउनलोड भी हो गया है, नहीं तो जो भी आता है यहाँ पर मैं इसका नेम कॉपी करके सर्च करती हूँ, यहाँ पे तो ये चीज एडिट हो गई है, ये था ना, यहाँ पे तो कोई पेड़ नहीं आ रहा। इसको ओपन किया मैंने, ये ओपन हो गया। अब आपने जो मुझे दिया था वो ये था, ये भी वही है, यहाँ पे तो ये पेड़ नहीं आ रहा। अजुनिशा आपने लॉगिन नहीं किया हुआ होगा वो वाला अकाउंट जो मैंने प्रोवाइड किया था, बाकी टेम्पलेट शो करूं?
स्क्रीन शेयर है ना, यहाँ पर देखें ईएमएस पे लेके गई, यहाँ पे मुझे तो कहीं पेड नहीं नजर आया। ये आप देखें इतने सारे हैं। ये सारे के सारे एडिट हो सकते हैं। अब चेक करें आपने लॉगिन वही यूज किया हुआ है जो मैंने प्रोवाइड किया था, वो शायद यहाँ पे कहीं पे हो बेबी, ये वाला। रजोनिशा जो है ना, आप दोबारा से उसको ट्राई करें, लॉगिन करें, और आपके पास टेम्पलेट्स जो है ना वो पेड नहीं आएंगे। चले जी ठीक है, आई थिंक किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आप लोगों ने जो है ना गिग क्रिएट करनी है और आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा जो है ना ये चीज़ें आपको नहीं क्लियर होंगी। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।